प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कहानी गुब्बारे से हवाई जहाज तक। चलो शुरू करते हैं। जोसफ और स्टीफन दोनों फ्रांस में रहते थे। ये दोनों भाई थे। आकाश में उड़ती चिड़िया को देखकर उनके मन में भी उड़ने की इच्छा होती थी। एक दिन की बात है, दोनों भाई रसोई घर में बैठे आग की ओर देख रहे थे। तभी स्टीफन बोल उठा, देखो जोसफ, उधर ध्यान से देखो। जोसफ ने आग की ओर ध्यान से देखा और पूछा, क्यों, ऐसी क्या बात है? देखो वह राख, धुआं राख को ऊपर उड़ा ले जा रहा है। देखा तुमने? स्टीफन बोला, क्या तुमने इसे पहले कभी नहीं देखा? जोसफ ने हैरानी से पूछा। वह अब भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। स्टीफन ने कहा, अरे देखो, यह तो उड़ सकता है। धुआं इस राख को ऊपर उड़ा सकता है। यह जानकर दोनों भाई खुशी से उछल पड़े। उन्होंने कपड़े का एक थैला बनाया। इसके भीतर की ओर उन्होंने कागज की एक परत लगाई। फिर उन्होंने थैले में धुआं भरकर उसके मुंह को अच्छी तरह बंद कर दिया। जैसे ही उन्होंने थैले को कमरे में छोड़ा, वह ऊपर उठने लगा और कमरे की छत से जा लगा। यह देखकर वे खुशी से नाच उठे। यही था पहला गुब्बारा। इसके बाद उन्होंने बड़ा गुब्बारा बनाने के बारे में सोचा। उनका यह गुब्बारा 300 मीटर ऊंचा उड़ा और 1000 मीटर दूर जाकर गिर पड़ा। इस करतब को देखने के लिए अनेक लोगों के साथ फ्रांस के राजा और रानी भी आए थे। आकाश में गुब्बारा उड़ते देखकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ। एक दिन उन्होंने गुब्बारे के नीचे एक टोकरी बांधकर उसमें एक बतख, बकरी और कुत्ते को बिठा दिया। गुब्बारा उन्हें लेकर पहले आकाश में उड़ गया और फिर पृथ्वी पर वापस भी आ गया। उसी समय कुछ लोगों के मन में पक्षियों की तरह पंख लगाकर उड़ने का विचार आया, परंतु कृत्रिम पंख लगाकर उड़ना आसान न था। इस दिशा में भी नए नए प्रयोग किए जाने लगे। कई वर्षों के निरंतर प्रयत्न से एक ढांचा बना। इसी ढांचे में कई सुधार करके वर्तमान समय का ग्लाइडर बना। उस समय के ग्लाइडर में कोई इंजन न था, उसमें बस दो बड़े बड़े पंख थे और पीछे एक पूंछ थी। इस पंख हवा के दबाव के आधार पर कार्य करते थे। अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने इंजन की सहायता से ग्लाइडर को आकाश में उड़ाया। इस तरह से सन 1930 में प्रथम मानव निर्मित हवाई जहाज बना। आज तो हवाई जहाज हम आकाश में उड़ते देखते हैं। वे इसी हवाई जहाज में अनेक सुधारों का परिणाम है। वर्तमान में इससे अनेकों सुविधाएं भी हैं। यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के साथ ही हवाई जहाज सामान लाने व ले जाने का भी कार्य करते हैं। हवाई जहाज का आविष्कार वास्तव में किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसके द्वारा मनुष्य का आकाश में उड़ना। तो बच्चे, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अगर हम कोशिश करते रहें तो हम हर कार्य को संभव बना सकते हैं।